हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज है भागवत का सेकंड लास्ट डे, कल समापन है। तो आज रुक्मणी विवाह होने वाला है और आप देख ही सकते हैं विवाह के लिए हम लोगों ने ये आउटफिट ड्रेप किया है। हाथों में भरी भरी चूड़ियां हैं, दूसरे हाथ की भी आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये मैंने नथ पहनी है, ये ज्वेलरी है और ये मेरा लुक है। आज मेरी भाभी थोड़ा सा फील अच्छा नहीं कर रही थी, एक्चुअली गर्मी बहुत है और यहाँ पे लाइट बहुत जाती है, तो लाइट गई हुई थी दोपहर से, तो भाभी को थोड़ा सा गर्मी की वजह से ना चक्कर आ रहा था। तो भाभी बेचारी आधी तैयार होके फिर अभी लाइट आई है तो थोड़ा सा एसी में बैठी है, तो आज भाभी का लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही। तो भाभी शायद थोड़ी देर बाद आएंगी, तो जब वो आएंगी तो मैं उनका लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देख सकते हैं आप मेरा आउटफिट। और हाँ, ये मैं बता देती हूँ, ये लहंगा मैंने अपनी गोद टीके पे पहना था। हमारे यहाँ गोद टीके का एक फंक्शन होता है शादी से पहले, तो अंशुल का टीका होता है और मेरी गोद भराई होती है, तो उस टाइम पे मैंने ये लहंगा पहना था। और ये नथ देखिए, और ये जो नेकलेस है वो मम्मा ने दिया है मुझे इस बार। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। गोविंद का लुक मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो एक्चुअली पहले ही जा चुका है अपनी नानी जी के साथ। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं और फिर वहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि आज सब लोग कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिए, ये है मेरा कंप्लीट लुक। मैंने सोचा एक बार कंप्लीट लुक भी आप लोगों के साथ यहीं पे शेयर कर दूं, बिकॉज पंडाल में जाने के बाद तो वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं और फिर सबसे मिलना जुलना रहता है तो मैं भूल ही जाती हूँ, तो इसीलिए घर पे ही आपके साथ कंप्लीट लुक अपना शेयर कर रही हूँ। और आज रुक्मणी विवाह है तो सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर आए हैं, सभी लोगों ने लहंगा पहना है और ये गोविंद ने पहना था आउटफिट। और ये देखिए, रुक्मणी जी भी तैयार होकर आई हैं बिल्कुल भगवान जी से शादी करने, और बहुत सुंदर सुंदर भजन हुए थे आज, हमने खूब डांस किया था। और जैसा कि देख ही सकते हो, मामी लोग सभी ने ही लहंगा पहना है। और ये देखिए रुक्मणी जी, जिनसे आप लास्ट ब्लॉग में मिले थे, कल मिली थी ना मौसी आप इनसे। और ये है मेरे मौसा जी, और ये है इनकी प्यारी प्यारी बेटियाँ। ये मामा जी की बेटी है और ये मौसी की बेटी है। स्पेशली ये आई है क्योंकि ये मेरे ब्लॉग्स देखती है, इसको भी आना था यूट्यूब वीडियो में, तो मैंने कहा डेफिनेटली मैं अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बहनों को तो जरूर इंट्रोड्यूस कराऊंगी आप लोगों से। बहुत बढ़िया ब्लॉग बनते हैं यूट्यूब पे, देख के बहुत मजा आता है, और खास तौर से स्पेशली किचन के जो ब्लॉग्स हैं वो बहुत बढ़िया है। थैंक यू मौसा जी। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मौसा जी ग्रुप पे मेरे ब्लॉग शेयर करते हैं, हम लोगों का एक फैमिली ग्रुप बना हुआ है बहुत बड़ा वाला, तो मौसा जी उस पे शेयर करते हैं। थैंक यू मौसा जी, चलो बाय बाय।
हम लोग आ चुके हैं भागवत से और ड्रेस चेंज हो चुकी है। मेरे हाथ में है दूध क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। सारे बच्चे जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, मम्मी पापा मौसी सारे कजन्स मिलके मूवी देखने जा रहे हैं, तो बच्चों को भी साथ लेके जा रहे हैं। तो दूध मैंने गोविंद के लिए पैक कर लिया है और गोविंद भी जा रहा है, सुपर एक्साइटेड सुपर हैप्पी। और ये हमारी ब्यूटीफुल मामी घर पर रुकेंगी क्योंकि ये हमारे लिए कल सुबह ब्रेकफास्ट बनाएंगी। कल नहीं बनाना है ब्रेकफास्ट, जल्दी सो जाओ, कल आपको ब्रेकफास्ट बनाना है, हम मूवी देख के आएंगे। ये पूरे भी बाय बाय। ये देखो मेरी चोट, ये देखो ये मेरा सबसे छोटा भाई है ना। हेलो हाय, ये सारी मौसा जी बोलो। हेलो हाय हाय। आज फोर्थ डे है, लास्ट डे था हमारी नानी के घर का, तो हम नानी के घर से अब निकल चुके हैं। मैं अपनी मौसी और बहन और मेरा भाई भी है, तो हम लोग निकले हैं लखनऊ जाने के लिए। और ये गोविंद बैठा है, ये मेरा भाई है गणेश। हाय बोल दे। हाय, इसे मैं प्यार से गणेश बोलती हूँ, वैसे इसका नाम आशीष है, बहुत प्यारा सा भाई है ये मेरा। और हाँ, मैं बताना चाहती थी कि अभी हम लोग रुके हैं सिद्धौली में, कुछ चाट खाने का मन कर रहा था तो सोचा यहीं पर रुक के पहले मौसी लोगों के साथ चाट वगैरह खा लूँ और उसके बाद फिर निकलूँगी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर है तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाऊँगी। और हाँ, इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और अब ससुराल के व्लॉग्स आपको नेक्स्ट सीरीज़ में देखने मिलेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इन्हें लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नानी के घर वाली सीरीज़ आपको कैसी लगी, हमारे एथनिक क्लोथ कैसे लगे। हमने बचपन के दिन बहुत जिए हैं, है ना, हमने बहुत मस्ती की है। कैसा लगा आयुषी? यार मैं तो सोच रही हूँ कैसे, मतलब लिटरली हाउ वी लाइक कोप अप विद इट। और हम लोग ना ये व्लॉग्स देख के मतलब मुझे तो लगता है मुझे रोना ही आ जाएगा जब मैं शिकागो पहुँचूंगी। मैं भी बहुत मिस करूंगी बच्चों को, अपने चले जाएंगे ये लोग। मेरी मम्मी दिल्ली के लिए निकल चुकी हैं, भाभी मम्मी सब चले गए हैं, मम्मी ने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं लखनऊ रहूंगी कुछ दिन और फिर से दिल्ली और फिर से वापस अपने घर। चलिए तो बाय बाय, प्लीज़ लाइक करिएगा व्लॉग को, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय। हम लोग सिधौली में चाट खा रहे थे तो मैंने सोचा ये चाट तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये सिधौली में बस स्टैंड के सामने वाली एक शॉप है जहाँ से हमने चाट खाई थी। यहाँ पे बहुत फेमस चाट की दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं बट फेमस बहुत हैं क्योंकि यहाँ की चाट बहुत यमी होती है। तो बस चाट वगैरह खाने के बाद हम लोग निकल गए हैं वापस घर के लिए। और अभी ये देखिए पहुँच गए हैं घर, ये है मेरा ससुराल का घर। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे इंडिया के व्लॉग्स को इतना ज़्यादा पसंद किया। आप सभी ने वो वाला व्लॉग तो सबसे ज़्यादा पसंद किया जिसमें मैंने अपने नाना जी नानी जी और पूरी फैमिली आपसे इंट्रोड्यूस कराई है। थैंक यू सो मच, मुझे कभी नहीं पता था कि इंटरनेट के थ्रू मुझे इतने प्यारे इतने सारे अच्छे अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, कितने सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर कॉमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू गिव मी। मतलब अब मुझे ना प्राइड फील होता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई और मैंने अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करी और कितने लोग मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं, कितने लोग मुझे प्यार करने लग गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। एंड काफ़ी लोग शिकायत कर रहे थे कि मेरे व्लॉग्स छोटे हैं, तो इसका मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे बहुत ही कम टाइम मिल रहा था जब मैं व्लॉग कर पा रही थी, क्योंकि इतने टाइम बाद आई हूँ तो मुझे भी अपनी फैमिली के साथ बैठना है, बात करनी है और उस मोमेंट को जीना भी है। तो मैं कभी कभार ऐसा होता था कि बस कैमरा साइड में रख दिया और मैं उस मोमेंट को जीना चाहती हूँ, प्रेजेंट रहना चाहती हूँ उस मोमेंट में, और उस टाइम पर फिर मैंने व्लॉग नहीं किया। बट स्टिल मैंने ट्राई किया है कि छोटी छोटी क्लिप्स मैं लेती रहूं, जहाँ पे भी पॉसिबल है छोटा सा कुछ शूट कर लूं, जिससे कि ये ग्लिम्सेस आपको मैं एक दिखा पाऊं कि क्या चल रहा है, कैसी मेरी लाइफ है, कैसे मैं फैमिली से बिलोंग करती हूँ और कौन कौन है मेरी फैमिली में। तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ले लेके आप लोगों को सब कुछ दिखाया है। 4 दिन के अलग अलग व्लॉग्स बनाए हैं अपनी नानी के घर के, लाइक मैंने आपको डिफरेंट ड्रेस लुक्स दिखाए हैं अपने। और लास्ट डे मैंने मॉर्निंग में
ब्लू कुर्ती पहनी थी, फ्लोर लेंथ कुर्ती. वो मैंने कुर्ती एक बार पहले भी पहनी थी जब मैं अपनी ताई जी के घर गई थी. तो अगर आपको उस ड्रेस का लुक देखना है तो वो वाला लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एक्चुअली लास्ट डे मैं नानी जी के घर पे कुछ व्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि सुबह सुबह ही भागवत थी और उसके बाद निकलना था, तो काफ़ी रशी डे था वो, तो इसीलिए व्लॉग नहीं बना पाई थी. बट हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स ली और बहुत इन्जॉय किया ओवरऑल. एंड मैंने इन चार दिनों को ना अच्छे से जिया है, अपने बचपन के दिन याद किए, अपने सारे मामा मौसी लोगों से, मामी जी लोगों से मैं मिली हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया. एंड जितना पॉसिबल हुआ सब लोगों को मैंने दिखाया भी है, वीडियोस भी बनाई हैं अपनी मामी जी लोगों की, मौसी लोगों की, जिससे कि आप लोगों को भी दिखा पाऊँ कि कितने सुंदर सुंदर मेरी मामी जी हैं, कितनी सुंदर सुंदर मेरी मौसी लोग हैं. सो यही था. और इस वीडियो के साथ मेरी नानी के घर के व्लॉग सीरीज़ जो है वो कंप्लीट होती है. नेक्स्ट वीडियो से अब स्टार्ट होगी मेरी ससुराल वीडियोस. सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड. बट ससुराल व्लॉग्स के लिए मैं यही कहूँगी कि मुझे नहीं पता कि मैं अपने फादर इन लॉ को कितना वीडियो में दिखा पाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा एक पापा कैमरा शाये हैं, बट मम्मा बहुत फ्रेंडली हैं, तो मम्मा के साथ हम बहुत सारी चिट चैट करेंगे और दिखाऊंगी कि मम्मी और मैं किस तरीके का रिलेशनशिप शेयर करते हैं. बिल्कुल भी आपको लगेगा नहीं कि मैं बहू हूँ या वो सास हैं, हम बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह, मोर लाइक फ्रेंड्स एंड लेस लाइक सास बहू रहते हैं, तो खूब मस्ती करते हैं. तो कोशिश करूंगी कि वीडियोस के थ्रू भी वो मस्ती थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ और अपना ससुराल आपको दिखा पाऊँ. आई डोंट लाइक सेइंग ससुराल अगैन एंड अगैन. ये भी मेरा घर है बिल्कुल, मैं यहाँ पे लड़कियों की तरह रहती हूँ, जैसे बेटी रहती है वैसे ही मैं यहाँ रहती हूँ, जैसे दिल्ली में मैं रहती हूँ. तो ससुराल नहीं है ये, मैं तो कहती हूँ इंडिया में दोनों घर ही मेरे मायके हैं. एक दिल्ली में मायका है और एक लखनऊ में मायका है. ससुराल तो वो होता है जहाँ पे आपको सारा दिन काम करना पड़ता है और आप थोड़ा सा जिम्मेदारी होती है आप पे, तो वो घर तो मेरा शिकागो में है. बट यहाँ तो मेरा बहुत चिल है, मम्मी के साथ तो बहुत मस्ती होती है. तो आपको वो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा कि हम लोग कैसे मस्ती करते हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार बरसाने के लिए. एंड मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ थोड़े से लंबे व्लॉग्स और ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स आप लोगों के लिए लाने के लिए. तो प्लीज़ आप भी इसी तरीके से व्लॉग्स को पसंद करते रहिए और शेयर करते रहिए, जिससे कि थोड़े से व्यूज़ बढ़े. आजकल वीडियोस पे फिर से थोड़े से व्यूज़ जो हैं वो ड्रॉप हो गए हैं, तो कभी कभी बुरा भी लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो फिर लगता है कि मेहनत जो है वो वर्थ नहीं हो रही है. तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, थोड़ा सा शेयर करिए जिससे कि हमारी वीडियोज़ थोड़ा आगे तक पहुँचे, लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी फैमिली में कनेक्ट हो पाएँ, जुड़ पाएँ, तो उससे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और फिर ज़्यादा इंटरेक्शन होगा आप लोगों के साथ. तो यही है, ओवरऑल फैमिली को हमें ग्रो करना है, हमें साथ साथ चलना है, साथ साथ सब कुछ शेयर करेंगे हम. तो इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं. होप करती हूँ आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी है. अगर ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी है ना, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप 200 लाइक्स तक तो ज़रूर पहुँचाएंगे ना, कोशिश करिएगा. सो चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में. तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियोस देखते रहिए जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं. अपने अराउंड पॉजिटिव ऑरा बनाइए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए. बाय.